ये है गुजरात का एक छोटा सा जिला वर्तेज। वर्तेज की इस छोटी सी मोबाइल रिपेयर शॉप में काम करने वाला ये है एक मामूली सा टेक्नीशियन। ये परिवार के बड़े बेटे हैं, एक छोटा भाई और बहन भी है। माँ साड़ियों पर कढ़ाई का काम करके कुछ दो चार पैसे कमा लेती हैं। पिता टेम्पो चलाते हैं। मोबाइल की दुकान पर काम करने के अलावा ये ईमानदारी से एक और काम करते हैं, क्रिकेट। जी हाँ, काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद ये करते हैं दिल लगा के क्रिकेट का अभ्यास। रोजमर्रा की जद्दोजहद के बीच क्रिकेट टीम का एकमात्र सहारा है। बचपन से जवानी का वो एक अकेला ख्वाब जो इन्होंने आज भी संजो कर रखा है। कहते हैं बड़े बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को झेलने के बाद ही साकार होते हैं। आज वो दिन है। स्वराष्ट्र की टीम के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले ये हैं चेतन साकरिया। हौसले बुलंद हैं, सर पर कफन बांधे चेतन निकल गए हैं। लेकिन क्या ये काफी है? चेतन के पैरों में ढंग के जूते नहीं है, ऐसे में बोलिंग कैसे हो पाएगी? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। टीम के साथी प्लेयर शेल्डन जैक्सन चेतन को स्पाइक्स वाले जूते दे देते हैं। अब इस चेतन को चेतक बनने से कौन रोक सकता है? फर्स्ट क्लास सईद मुश्ताक अली, विजय हजारे, जहां जहां ये चेतक पहुंचा जमीन अपनी कर लेता। आईपीएल स्काउट्स कड़ी नजर जमाए बैठे थे। ऑक्शन में चेतन का दाम बढ़ता ही चला गया। 20 लाख, 40 लाख, 70, 80, 1 करोड़ 20 लाख में चेतन हुए राजस्थान रॉयल्स के। सोचकर देखिए, उस इंसान के लिए ये पैसे क्या मायने रखते होंगे जो हर रोज कमाकर खाता है। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा ऊंचे पहाड़ों का साथ तो पेड़ भी छोड़ देते हैं, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ऊंचाइयां छूने की। साल 2021, जहां हो रहा था चेतन का हर वो सपना साकार जो उन्होंने खुली आंखों से देखा था, तो दूसरी तरफ परिवार के साथ देखे सपने भी हो रहे थे चूर। भाई की मौत ने चेतन को दिया एक गहरा सदमा। भाई के निधन के समय परिवार ने फैसला किया कि चेतन को यह खबर ना दी जाए। वो क्रिकेट खेल रहे थे और ये खबर क्रिकेट पर असर डाल सकती थी। भाई के जाने के बहुत दिन के बाद ये दुखद समाचार उन्हें दिया गया। चेतन का एक मजबूत स्तंभ अब गिर चुका था, वो आधे अधूरे हो गए थे। क्या कोई भी इस मनोस्थिति में कुछ अद्भुत करने की क्षमता रखता है? शायद, अगर वो आम नहीं खास हो। शायद अगर उसे पता हो कि ये एक पल मुझे बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। ये एक मौका ही है मेरे पास, खेल जाऊं या फिर फेल हो जाऊं। चेतन ने कमर कस ली, आंसू के इस सैलाब को पीकर निकल पड़े मिशन पर। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चेतन ने बटोरी सबकी वाहवाही। पर इससे पहले कि वो भाई को खोने का गम और आईपीएल की खुशी दोनों को ही समझ पाते, पापा कोविड के शिकार हो गए। आईपीएल में कमाए पैसों से पापा का इलाज तो हुआ, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। चेतन चाहते थे कि वो आईपीएल के पैसों से एक घर खरीदे ताकि परिवार आराम से रह सके। पैसे आ गए, घर भी आ गया, लेकिन रहने वाले लोग कम हो गए। भाई के बाद चेतन के पिता भी चल बसे। हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं, तो मेरी नजर में टूट कर संभलने वाले को चेतन साकरिया कहते हैं। सलाम तुम्हें मेरे दोस्त।